वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 29 मई 2023 और 29 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैच इस हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट तो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की इस वीडियो की पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं पी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पी एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है तो आपको पता है अभी 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और इसी नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पचहत्तर रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये है पचहत्तर रुपए का स्मारक इस सिक्का इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है इस सिक्के के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ इस सिक्के में पचास परसेंट चांदी है चालीस परसेंट कॉपर है पाँच परसेंट जिंक है और पाँच परसेंट है इस तरह से इस सिक्के को बनाया गया है इस सिक्के का जो डायमीटर है वो चवालीस एम एम है और इस सिक्के का जो बेट है वो पैंतीस ग्राम है और इसे भारत सरकार के कोलकाता टक साल में बनाया गया है अच्छा ये जो सिक्के होते हैं ये विशेष सिक्के होते हैं ये हमको जनरली परचेज करने या किसी को देने के लिए नहीं मिलते हैं जो लोग सिक्कों का शौक़ रखते हैं इनको आप खरीद सकते हैं और इनकी वैल्यू पचहत्तर रुपये नहीं होती है इनकी वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप इन सिक्के को खरीद सकते हैं जैसे तीन हजार में भी मिलेगा चार हजार में भी मिलेगा जो वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतनी वैल्यू में आपको ये सिक्का मिलेगा आप इसे रख सकते हो लेकिन ये चलन में नहीं रहते हैं तो विशेष सिक्के होते हैं और विशेष मौकों पर इनको जारी किया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है और इसी उद्घाटन के मौके पर पचहत्तर रुपये का विशेष सिक्का जारी किया एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है अच्छा नए संसद भवन से कई सारे क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया गया है इसका संबंध किस राजवंश से है तो चोल वंश से इसका संबंध है कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपने पढ़ा होगा कि ये जो नया संसद भवन बना है ये ट्रायंगुलर शेप में है इसमें 888 सीट हैं लोकसभा की और तीन सीट है राज्यसभा की ये आपने जनरली कई बार न्यूज़ में देख लिया होगा लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो लोकसभा है वो किस थीम पर डिजाइन की गई है तो इस नए संसद भवन में लोकसभा हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर डिजाइन की गई है और राज्यसभा किस थीम पर डिजाइन की गई है राज्यसभा राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर डिजाइन की गई है तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं नई संसद भवन से मुझे ऐसा लगता है कि बेस ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कंपटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं इन बेस क्वेश्चन का एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा अच्छा आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन

इसीलिए ये अभी न्यूज में है तो आप याद रखिए ब्लादिबोस्तोक बंदरगाह ये रूस में है और चीन ने इसे ट्रांजिट हब के रूप में मान्यता दी है अब ये रूस में है तो ये है मैप में रूस रूस की कैपिटल क्या है मॉस्को रूस की करेंसी क्या है रशियन रूबल रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है व्लादिमिर पुतिन और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है मेखाइल मित्त अभी रूस ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया एफ ए टी एफ ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी है अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता रूस बना था फाइनेंस ईयर 2023 में रूस भारत के पेक आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है रूस भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है और रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है अच्छा रूस में उरल के पहाड़ हैं लेक बैकाल है माउंट एलवरेस्ट है इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है नया क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दो हजार इक्कीस के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है तो आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दो हजार इक्कीस के लिए इकतीस पॉइंट चार करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा की तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना कब हुई 1909 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दुबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है ग्रेग बार्कले कौन है ग्रेग बार्कले अच्छा आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है जिओफ एलार्डिस कौन है जिओफ एलार्डिस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए तो अभी अमेरिका ने पापुआ न्यूगिनी के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है अब पापुआ न्यूगिनी के कुछ याद आया अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ गिनी और फेधी गए थे और इन दोनों देशों ने पापुआ गिनी और फेधी ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया था अब अमेरिका ने इसके साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए तो अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनके वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोन्टाना बनेगा गेता राव गुप्ता को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है और बाइडेन प्रशासन ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया है अच्छा अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं कोप इंडिया टाइगर ट्रंप वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था तो ये दिल्ली और देहरादून के बीच शुरू हुई है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब उत्तराखंड की ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है तो ये है मैप में उत्तराखंड उत्तराखंड की कैपिटल क्या है देहरादून उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है गुरमेत सिंह अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन दो हजार तेईस का उद्घाटन किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है और उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया अच्छा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है इसका पूर्व नाम है हेली नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है फूलदेही त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है नए क्वेश्चन है हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है तो ये मिस्र में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है सिटी ऑफ डेड ये बेसिकली कब्रिस्तान की एक श्रृंखला है और लगभग सात किलोमीटर लंबी है तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अभी मिस्र यहां से एक राजमार्ग निकाल रहा है इसीलिए इसको बचाने के लिए ये चर्चा में है तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है अब मिस्र यानी कि इजिप्ट तो ये है मैप में इजिप्ट इजिप्ट की कैपिटल क्या है काहिरा इजिप्ट की करेंसी क्या है इजिप्टियन पौंड और इजिप्ट के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है अब्दुल फतेह अल सिसी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे एम डी एंड सी के रूप में नियुक्त किया है तो अभी कर्नाटक बैंक ने श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को एम डी एंड सी के रूप में अपॉइंट किया तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है यह है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा एनी को कर्नाटक बैंक ने एम डी एंड सी के रूप में अपॉइंट किया अच्छा अभी आर दिनेश को दो हजार के लिए सीआईआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन हर्ष जैन बने हैं हर्ष जैन कौन है ये ड्रीम इलेवन के फाउंडर हैं। अच्छा एस बैद्यनाथन को मद्रास हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है नए क्वेश्चन है हाल ही में सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और केस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं तो सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और बेलारूस ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है अब बेलारूस तो ये है मैप में बेलारूस बेलारूस की कैपिटल क्या है मिन्स्क बेलारूस की करेंसी क्या है बेलारूस रूबल और बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन है अलेक्जेंडर लुकासेंको कौन है अलेक्जेंडर लुकासेंको नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खान मंत्रालय केस आईआईटी के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा तो माइंस मिनिस्ट्री अभी आईआईटी मुंबई के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब आईआईटी की बात है तो अभी इसराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की गूगल ने आईआईटी मद्रास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र में एक मिलियन डॉलर का निवेश किया है और आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है क्वेश्चन है हाल ही में किसने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक की अध्यक्षता की है तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक की अध्यक्षता की तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी टू में नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है सुमन के बेरी और नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है बे वे आर सुब्रमण्यम कौन है बे वे आर सुब्रमण्यम नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल ने एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है तो ये बुक का नाम है गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण इसके उड़िया संस्करण का विमोचन उड़ीसा के गवर्नर ने किया है तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा उड़ीसा की कैपिटल क्या है भुवनेश्वर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है नबीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है गणेशी लाल इन्होंने ही इस पुस्तक के उड़िया संस्करण का विमोचन किया अच्छा अभी उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को ए की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है कौंद जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है और बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है अच्छा उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है गोल्डन बीच है उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है कुड़ार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए है हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए तो अभी केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए छह राज्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब ये छह राज्य कौन से हैं असम गुजरात मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये हैं छः राज्य नए क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एसीआई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया तो यूके ने अभी एसीआई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अब यूके तो ये है मैप में यूके यूके कैपिटल क्या है लंडन यूके की करेंसी क्या है पॉन्ड स्ट्रिलिंग और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है ऋषि शुनक अभी यूके ने लाखों फोन पर आधारित अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया अच्छा यूके ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन ने, है हाल ही में चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है तो सेंडाई फ्रेमवर्क ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में हमारा सुख घर लायका अभियान शुरू किया गया तो अभी छत्तीसगढ़ में हमार सुख घर लायका अभियान शुरू किया गया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है हमारा सुख घर लायका अभियान ये किससे संबंधित है तो कुपोषित बच्चों को शीघ्र पोषित करने की श्रेणी में लाने के लिए ये हमार सुख घर का अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया अब छत्तीसगढ़ तो ये है मैप में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है रायपुर अच्छा एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है वेशभूषण हरिचंद्रन अच्छा छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने गोंडे बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है और विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है इतना आप छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखिए अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भोटो यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया तो अभी नेपाल में भूटो यात्रा उत्सव मनाया गया यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया मोस्टली स्टूडेंट के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बोलते अच्छा मैंने मई के फोर्थ वीक का ये कंप्लीट बेकली वीडियो बना दिया है इसमें पूरे बेक के करंट अफेयर्स को मैंने कवर किया है आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करना है आपको ये चैनल मिल जाएगा इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी चैनल पर यह वीडियो मैंने अपलोड किया है इस वीडियो को आप एक बार देखिए और एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो पूरे बेक का आपका करेंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना आज की इस वीडियो का टारगेट है चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब वे आपसे सबको करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग